अरे कैसी क्या घटना घटी यहाँ पर? फोटो लेके आए हमने पूछा कहाँ पे रखी फोटो? यहाँ पे चेयर मंगाई, चेयर मंगा के रख दिया। किसकी फोटो थी? बाबा भीमराव अम्बेडकर की। फिर क्या हुआ? फिर हमने रख दिया, हम कहा कि ये नहीं रखी जाएगी, अपमान होगा। किसने कहा? किसी टीचर ने कहा? टीचर ने, सब लोग कहते थे। हमने कहा कि नहीं, जब इसकी फोटो, जब गांधी जी ने संविधान लिखा है हमारी फोटो जरूर रखना होना चाहिए यहाँ पर। तो फिर क्या हुआ फोटो को? हमने रख दिया, हमने कहा हमने छूना। कुछ देर तक रखी रही, लेकिन कुछ देर बाद वो विनोद गुप्ता भूटा सर ने उन्हें फेंक दिया, निकाल के कह दिया यहाँ नहीं, इनका कोई त्योहार नहीं है, इनकी फोटो नहीं यहाँ पर लगाई जाएगी। और वहाँ किस की फोटो लगी थी? गांधी जी की थी। और बस हाँ, तो बाबा साहब की फोटो फेंक दी। हाँ, कहते हटाओ, कहते अपमान हो रहा है, इनका अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है इनका। ऐसा बोला किसने? बोला किसने? बोला सही सही बताओ, सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? प्रीतम प्रजापति। आपका? राजा भैया अहरवाल। आप दोनों ने रखी थी फोटो? चार लोग। हाँ, मैंने रखा था, इन्हें चेयर ने रखी थी, हमने रखा था, हमने चार लोग। हाँ, चार। कहाँ पढ़ते हो आप? मॉडल स्कूल। कितने बजे घटना है? 7:30 कार्यक्रम शुरुआत में है ना? हाँ, शुरुआत में है, शुरुआत में कार्यक्रम चालू हो गया। नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। हमें फोटो रखना है, कहते हैं हम यहाँ नहीं फोटो रखी जाएगी, मान होता है। हमने कहा कि हमारी फोटो रखी जाएगी, हमारे राष्ट्रपिता नहीं है? नहीं नहीं है बेटा, वो सही बात। सर धोखे से गिर गई हो, पर सर दूसरी बार फिर से गिरा, और तीसरी बार सर वो विनोद सर ने और निशा मैम ने फिर से, मतलब पहली बार निशा मैम ने फेंकी थी और दूसरी बार विनोद सर ने, और उसके बाद सर बाबा साहब को हम इस तरह अपमानित होते नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो किया है तो उसको हम नहीं भूल सकते। क्या हम क्या मांग कर रहे हैं सर? हमें बाबा साहब के सम्मान के लिए निशा जैन को सर जेल चाहिए, जेल होनी चाहिए, विनोद जेल होनी चाहिए। आप लोगों के सामने फोटो हटवाई है? किसने हटवाई है? क्या बोले? अच्छा, हटवा दी बाबा साहब की फोटो?